वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हैं उनको मतलब क्या बोलोगे? ट्रेड चालू कर नहीं, उनको क्या बोलोगे जिनको जिनके ऊपर आतंकियों हमले करके हमारे सोल्जर्स के ऊपर जो अटैक करते हैं, उनके परिवारों को क्या बोलोगे कि किस किस ले जा रहे हो? आजकल के टाइम में जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतने तरीके हैं कि बिना जाके भी आप कर सकते हो, तो भाई आपको जाने का क्या क्या मतलब बनता है? तो आई एम होपिंग कि ये डिसीजन ना लिया हो, क्योंकि बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि पहले इन्होंने ये भी बोला कि पहले मोदी जी का था, वो तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि भैया मोदी जी जाएंगे, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश के के लिए। वो और खाली ये नहीं कि वो आतंकी भेजते हैं, हमारा पीओके लेके बैठे हैं। अभी वहां पे यूएन में कितना भड़केलू और इंडिया के अगेंस्ट, कोई मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा है। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि आने वाली 15 और 16 अक्टूबर की तारीख को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की समिट होगी, और इस समिट में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हिस्सा लेंगे। और यकीन मानिए, इस खबर को देखकर भारत में ज्यादातर लोग, चाहे वो सरकार को सपोर्ट करते हो या विरोध करते हो, सबके सब हैरान हैं, क्योंकि भले ही पाकिस्तान नहीं जा रहे हो, लेकिन उनकी जगह जो जा रहा है व्यक्ति, वो भारत के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक आता है। और विदेश मंत्री एक बहुत ही हाई लेवल का आदमी होता है। अगर वो किसी देश में जा रहा है, मतलब हम उस देश को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने पाकिस्तान को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अचानक से एससीओ की समिट होती है पाकिस्तान में और भारत के विदेश मंत्री का दौरा होता है, ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही। क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि भारत या तो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा एससीओ समिट में, रिमोट कर लो है, या फिर उसमें काफी लो लेवल का अफसर भेजा जाएगा ये बताने के लिए हम पाकिस्तान में आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन ना के बराबर करेंगे। हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी महत्व नहीं देने वाले, जब तक कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, अपीओके नहीं देता, उसने पाल रखे हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज सुबह तक खबर ये आ रही थी कि पीएम मोदी खुद हिस्सा लेंगे एससीओ की समिट में, लेकिन उसके बाद जाकिर नाइक का जिस लेवल पर वेलकम किया गया पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों के दौरान, उसके बाद ये फैसला लिया कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन उनकी जगह स्तरीय मंत्री को तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, ऐसे कई लोगों को इस फैसले से परेशानी ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारत सरकार का बहुत ही खराब फैसला है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भारी मात्रा में आतंकी एक्सपोर्ट कर रहा है कश्मीर में, लगातार वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट की जा रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में इतने उच्च स्तरीय मंत्री का पाकिस्तान जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि ये तो हमारे लिए एक मौका था कि हम पाकिस्तान को बताएं कि वो हमारे सामने है क्या। हम किसी अपने आईएएस अफसर को भेज देते, या विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए किसी, नहीं यहीं से ऑनलाइन मीटिंग करते, हम मौके बाबू को भेज देते, वो ज्यादा बेहतर होता पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए। लेकिन विदेश मंत्री को भेज देना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इससे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और इसीलिए भारत सरकार का यह फैसला हमारे पिछले 10 सालों की जो कड़ी मेहनत है ना, जिसकी बदौलत हमने पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट किया और पाकिस्तान के साथ जरा भी बातचीत नहीं करी, उस सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला है। अभी भी समय है, ये सम्मेलन 15 से लेकर 16 अक्टूबर को होगा, यानी 10 दिन का वक्त है, सरकार इस फैसले को वापस ले, क्योंकि ये फैसला हमें भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अभी तो आपको लगा होगा कि कुछ नहीं है, बस हमारे मंत्री जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन
जियोपॉलिटिक्स में ये छोटे छोटे कदम भविष्य में बड़े बड़े कांड का कारण बनते हैं। और आप मेरी बात याद रखना, विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान जाते हैं ना तो पाकिस्तान की जो सेना है उनको क्या बोलोगे? नहीं, उनको क्या बोलोगे जिनको जिनके ऊपर आतंकियों हमले करके हमारे सोल्जर्स के ऊपर जो अटैक करते हैं उनके परिवारों को क्या बोलोगे कि किस ले जा रहे हो? आजकल के टाइम में जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतने तरीके हैं कि बिना जाके भी आप कर सकते हो, तो भाई आपको जाने का क्या क्या मतलब बनता है? तो आई एम होपिंग कि ये डिसीजन ना लिया हो, क्योंकि बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि पहले इन्होंने ये भी बोला कि पहले मोदी जी का था, वो तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि भैया मोदी जी जाएंगे और वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए। और खाली ये नहीं कि वो आतंकी भेजते हैं, हमारा पीओके लेके बैठे हैं अभी वहां पे यूएन में, कितना भड़केलू और इंडिया के अगेंस्ट इसने शहबाज शरीफ ने भाषण दिया, उसके बावजूद हम उधर जाएंगे? हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम उसको उनको दिखा रहे हैं कि भैया दुनिया को कि भैया पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है और वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि हम उसके मिलने जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे? ऐसी क्या हमको मीटिंग से मिल जाना है जो हमको खास वहाँ जाना है, जाके ही हमें कुछ मिलेगा? दिस इज़ वेरी शॉकिंग और मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ एंड आई एम होपिंग कि ये जो न्यूज़ है ये सच ना हो सच्ची में, क्योंकि अगर ये सच है तो दिस इज़ नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी को भी नहीं भेजना चाहिए। और रिमोट में भी जूनियर मोस्ट, हाँ, जयशंकर नहीं उसको जाना, हाँ, कोई जूनियर मोस्ट को वहाँ पे अगर हम इंडिया इस तरह से दिखा रहा है कि वो जा रहा है एंटरटेन कर रहा है, फिर बाद में ट्रेड भी शुरू हो जाएगा, तो आप बेनिफिट कर रहे हो अपने एनिमी को। हाँ? मुझे पता नहीं क्या कंपल्शन थी, क्या प्रॉब्लम थी कि ये हो रहा है, बट लेट्स होप कि ना हो। बिल्कुल, अगर इंडिया कुछ भी सीखा हो इसराइल से तो उसको ये समझना चाहिए कि ये रॉन्ग डिसीजन था, बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। ठीक है, एससीओ में उनको लगता होगा कि चाइना जा रहा है, एससीओ चाइना का है संगठन, इंडिया ने फाउंड नहीं किया, चाइना ने फाउंड किया एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, शंघाई, उसमें तो तुम्हें बिल्कुल ही प्ले डाउन करना चाहिए। तो हमने से शुरू भी नहीं किया, छोटा मोटा ठीक है अटेंडेंस कर जाते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है, हमारे अगेंस्ट कुछ ना हो बस इसलिए मॉनिटर करते हैं। इंडिया का तो पर्पस होना चाहिए कि डूब जाए एससीओ, क्योंकि चाइना ने शुरू किया, वाई शुड तुम्हें उसको बढ़ा के क्या मिलना है? इनफैक्ट वहाँ एक बंदा जरूर भेजना चाहिए जो देख सके कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट तो नहीं चल रहा, दैट्स ऑल इट शुड बी। अब मुझे पता नहीं, पर इतनी हाई पोजीशन का हो सकता है ये सिचुएशन बाद में चेंज कर दे, हो सकता है भी बोले जयशंकर जी आ रहे जो प्रिपेयर करने, बोले सॉरी वो नहीं आ रहे, क्या पता, आई होप सो, रिमोट होगा क्या पता, आई होप सो। बट अगर ऐसा हो जाएगा फिर सडनली मूवीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे एक न्यूज आई थी एक दिन पहले की मौला जाट जो है उसका पार्ट टू या वॉट एवर इट इज वो पंजाब में रिलीज कर लास्ट मिनट में होने वाली थी, फिर थैंकफुली गवर्नमेंट ने रोक दी। मौला जाट क्या है? वहाँ पाकिस्तान की कोई मूवी है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं। पाकिस्तान की कोई मूवी है जो पंजाब में रिलीज हो रही थी। अच्छा। और ऑलमोस्ट होने वाली थी, लास्ट मिनट में थैंकफुली गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं 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 होगी जी। बड़ी हिम्मत है यहाँ पे कि रिलीज करेंगे वो पाकिस्तान, वो लोग अपनी मूवी जो है इंडिया में रिलीज करेंगे। नहीं, और वो पाकिस्तान में इंडियन मूवीज नहीं है कोई रिलीज होती, सब बैंड है बिल्कुल, और यहाँ पे हम रिलीज करेंगे जी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आखिरी मोमेंट में तुमने बैन की, मतलब इतना बुरा हाल था तुमने डे वन से बोला था बैंड। गाइस, आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।